तो मीठा बोलन निम चलन पर ओगन ढकले, दूसरा का पर्या का जो ओगन है उनका बकाणने के महाराज उनको ढक ले। पांचू चंगा नान का, चंगा कहते हैं अच्छा ने, हरी भजे और हाथा देन, हाथा सो कुछ देन, परमार्थ करे और परमात्मा का सुमिरन करे, भजन करे, यही मुक्ति के कल्याण के लिए ये पांच मुख्य साधन है। इसी दिशा से महापुरुष कहते हैं हंसा बहना सबद परियाणी, महापुरुषों को संग कीजिए बोलो अमृत वाणी, सत्पुरुषों का संग करो, संतों का साथ करो, संतों के संग में साथ में ही जीवन में हम सुखी हो सकते हैं महाराज। जगत के साथ रहेंगे, जगत के साथ चलेंगे तो रोना ही रोना है, जगत रोने वाली है, दुखी है महाराज, दुखी का हम साथ करेंगे तो दुखी ही प्रदान करेंगे वो, हम सुखी के पास बैठेंगे तो अपने को सुख जरूर मिलेगा, शांति जरूर मिलेगी। आप अग्नि के पास बैठोगे तो ताप ही तो मिलेगा, वहां है ही ताप। आप जलाशय के किनारे बैठोगे तो आपको ठंडी लहर मिलेगी महाराज। जगत का आप साथ करोगे, जगत का संग करोगे तो दुखी ही दुख है। संतों के सत्पुरुषों के पास बैठोगे तो आपको विश्राम मिलेगा, शांति मिलेगी महाराज। दुख दरिया संसार है, सुख का सागर राम, दुख दरिया संसार है, सुख का सागर राम, सुख सागर चल जाइए दादू तजे बेकाम, सुख सागर चले जाइए दादू तजे बेकाम, दादू तजे बेकाम। बोलो राम जी महाराज की। दुख दरिया संसार है, संसार दुखों सागर है महाराज, वहां सुख नहीं है। कभी किसी को शांति मिली, विश्राम मिला है, अनुभव करो, विचार करो। कितने समय से हम जगत के साथ रह रहे हैं, अभी तक मिला है किसी को सुख? किसी को नहीं मिला है। दौड़ है महाराज, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। जैसे मृग जल को देख करके मृगा दौड़ लगाता है, दौड़ता है, अब मिलेगा, अब मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितना दौड़ो, क्योंकि जड़ है ही नहीं, मिलेगा कैसे महाराज? ऐसी संसार में सुख है ही नहीं, कितना खोजो, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जहां सुख है वहां खोजेंगे तभी आराम मिलेगा, तभी सुख मिलेगा। सुख कहां है? जिनका खुलासा कर दिया महापुरुषों ने, यो संसार नरगरी खाई जहां से रेणो न्यारो वे, साधु संगत गंगा में पेशर पियोनी अमृत धारो वे। सत्संग में मौज है, सत्संग में आनंद है, विश्राम है महाराज, पर जहां है वहां हम पहुंचते नहीं है, वंचित रह जाते हैं। और ही और जगह हम सुख को खोजते हैं, कितना खोजो, नहीं मिलेगा। प्रथम व्यक्ति धन में सुख खोजता है, धन मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं महाराज। धन की खोज के लिए कहां कहां भटकता, देश विदेश चला जाता, इराक ईरान में चला जाता है धन के लिए, मां का बाप का परिवार का सबका त्याग करके वहां चला जाता है, किसने? धन मिले और धन पा करके मैं सुखी हो जाऊं, ऐसी उनकी मांग है। धन मिल गया पर सुख नहीं मिला, धन पाने के बाद में धन मिल गया परंतु सुख नहीं मिला है, तो फिर आगे वो खोज करता है। धन के अंदर में सुख खोजता, नहीं मिला तो अब सुख है कहां? बोले अब तो सुख शादी के अंदर है। कितना धन खर्च करके फिर शादी करता है, शादी कर ली, सुख नहीं मिला, शादी कर ली परंतु संतान नहीं हुआ, तुम्हारा दुख का दुख ही है। फिर वो तीसरे नंबर में संतान में सुख खोजता है, शादी करके लाता है और संतान नहीं हुआ तो स्त्री का त्याग कर देते, लोग तलाक कर देते महाराज। शादी में सुख नहीं है, सुख अब वो संतान में खोजता है, एक संतान हो जाए, एक हो जाए, मैं सुखी हो जाऊं। संतान हो गया,
संतान ऐसा हुआ, बड़ी आशा को लेकर के उनका भरण पोषण किया, बड़ा किया, पर अब बड़ा होते ही माँ बाप को धक्का लगाने लगे महाराज, पास में था वो सब छीन लिया, कोस लिया, धक्का मारने लगा है। पुत्र में सुख नहीं, संतान में सुख नहीं है, अलग हो बेटा महाराज, अलग हो गई, पुत्र अलग, फिर पिता अलग, अब सुख कहां है? चौथे नंबर में शरीर में सुख खोजता, मेरा शरीर का ही नहीं तो कौन काम का, यह संतान कौन काम का बेटा महाराज, पत्र मारो इस पर, उनको अलग करके पिता अलग हो बैठता है। अब उस शरीर में सुख होता, मेरा शरीर का ये नहीं है तो फिर किस काम का बेटा, अब उस शरीर में सुख होता है। प्रसंग पर ध्यान देना भाई बहनों, वास्तविक सुख कहां मिलेगा, जहां है वहां पहुंचेगा तभी वो सुख मिलेगा महाराज। अभी तक बाहर भटक रहे, बाहर खोज रहा है, कितना खोज नहीं मिलेगा। अब अपने शरीर में सुख खोज रहा है, शरीर में दो भाग है, अर्ध भाग में कर्म इंद्री है, अर्ध भाग में ज्ञान इंद्री है, वो कर्म इंद्री से ज्ञान इंद्री में सुख मानता है, आंख से देख करके सुख मिलता है, कान से सुन करके सुख मिलता है, जीभ से खा करके सुख मिलता है, रस का आनंद मिलता है, कर्म इंद्री से ज्ञान इंद्री में विशेष सुख मानता है। एक आदमी ने कोई जुल्म कर दिया, उनको न्यायाधीश ने सजा दी, हुक्म दिया, ऑर्डर दिया कि इनका जिभ्या काट दो, इनकी आंख फोड़ दो, जिभ्या आंख ज्ञान इंद्री है, वो दोषी चिल्लाता है न्यायाधीश से, प्रार्थना करते महाराज आप भले हमारा हाथ काट दो, पैर काट दो, परंतु जिभ्या मत काटो, आंख मत फोड़ो, क्यों जीभ्या से खा करके सुख मिलेगा, और जो कहते आंख के द्वारा रूप दे करके मैं सुख ही पाऊंगा। कर्म इंद्रिय से ज्ञान इंद्रिय में सुख होता है। एक आदमी ने और बड़ा जुल्म कर दिया, उनको फांसी की सजा बोली महाराज, इनका प्राण ले लो, तो वो प्रार्थना करते हैं ज्ञान इंद्रिय से परे प्राणों में सुख होता है, वो तो वो चिल्लाता है कि भले हमारी जीभ्या काट दो, भले आंख फोड़ दो, कोई बात नहीं, प्राण तो मिलेगा, सांस तो मिलेगा, सांस में तो मैं आराम पाऊंगा। ज्ञान इंद्रिय से परे आगे प्राणों में सुख होता है। एक आदमी को दम की शिकायत होगी, सांस की शिकायत होगी, वो कह रहा है अब ये सांस छूट जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, मैं कौन, मैं आत्मा, मैं सुखी हो जाऊं, मैं आत्मा, वाही तो सुख है महाराज, कितना बाहर खोजो नहीं मिलेगा, जहां है वहां खोजो, धन में सुख नहीं, स्त्री में सुख नहीं, संतान में सुख नहीं, शरीर में सुख नहीं, नहीं प्राणों में सुख है, सुख है अपना आप में। इसलिए हमारे महापुरुषों ने संकेत कर दिया, हेली बाहर भटके कहीं, तर सब सुख है घटमाई, घटरा ज्ञान विचारो, कौन है बोलन हारो, जिनकी कर लो ओळखाई थारो, जन्म मरण मिट जाए। प्रसंग पर ध्यान देना है, यही तो सबरी खोज, अभी आपने प्रसंग सुना है, इनमें तो सब खोज रहे हैं, धन में खोज रहे हैं, स्त्री में खोज रहे हैं, संतान में खोज रहे हैं, हैं, शरीर में खोज रहे हैं, पर भाई बहनों सुख है अपना आप में, वहां खोजो तो मिलेगा। आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप है, वहां पहुंचो महाराज, वहां जाओ तब आराम पाओगे, तब आनंद पाओगे। हम बाहर खोज रहे हैं तो ये मृगा की खोज है, मृगा की नाभि के अंदर किस्तूरी, परंतु वो जंगल में भटकता है, कितना समय भटको महाराज, उनको किस्तूरी नहीं मिलेगी। इसलिए हमारे महापुरुषों ने फरमाया है सत्संग में जाओ, वहां बैठो, वहां आपको आराम मिलेगा, वहां विश्राम मिलेगा। जग संसार में आराम नहीं, सुख नहीं है महाराज, कितना खोजो नहीं मिलेगा। ये सिद्धांत की बात है, अग्नि के पास में बैठ करके कोई लोग ठंडक पाना चाहता है, थोड़ा सा मैं ठंडक पा लूं, असंभव है। क्यों? अग्नि के अंदर ठंडक है ही तो ठंडक मिलेगा कैसे? ये तो भूल है, मूर्खता है उनके अंदर ठंडक खोजना।
अग्नि के अंदर ताप ही ताप है महाराज, वहां ठंडक है नहीं तो मिलेगी कैसे? ऐसी जग संसार के अंदर दुख ही दुख है, सुख है नहीं तो कैसे मिलेगा महाराज, कैसे मिलेगा? ओ संसार नरगरी खाई जहां से रेणो न्यारो वे, साधु संगत गंगा में पेसर पियो नहीं अमृत धारो वे। इनसे न्यारो कैसे रहे? विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा महाराज। जल कमल जैसे, कमल का पत्ता जल से उनकी उत्पत्ति है, सदा जल में निवास करता है फिर भी जल से निर्लेप रहता है महाराज। ऐसे सत्पुरुष जो है, ज्ञानी महापुरुष है, वो संसार सहित तो संसार में प्रकट होते हैं, संसार में निवास करते हैं, फिर संसार का उन पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि उन्होंने संसार को समझ लिया संसार कैसा है। जैसे बाजी अगर बाजी को समझता कि हमारी ये बाजी कैसी है, सत्य है का सत्य है महाराज, लोग देखने वाले नहीं समझते उस बाजी को, पर बाजी अगर समझता कि हमारी बाजी कैसी है। बाजी अगर एक जमुरा बनाता है महाराज, जो अपने सामने उनका मस्तक काट करके अलग रख देता है, लोग देखने वाले बड़े इज्जत करते हैं, दयावंत कोई रोने लग जाते, कितना फिक्र चिंता शोक करते हैं, जमुरा को मार दिया, मनुष्य को मार दिया, बालक को मार दिया। परंतु बाजीगर कोई शोक नहीं करता, उनको पता है लोगों को पागल बनाया, किसी को नहीं मारा है, नहीं मारा है महाराज, बाजीगर को पता है इसलिए वो शोक नहीं करता है। ऐसे भाई बहनों जग संसार की बाजी बाजीगर का खेल है, और सत्पुरुष इनको जानते कि बाजी कैसी है। अज्ञानी लोग इनको सत समझ करके सहयोग में राजी होते हैं, वियोग में रोते आंसू बहाते हैं महाराज, शोक करते हैं, विलाप करते हैं। ज्ञानी जो महापुरुष समझते नहीं कोई मिला है न कोई बिछड़ा है, यह तो सपना था, सपना में सहयोग वियोग है महाराज, इनमें कोई सत्य बात नहीं है, ये सपना है, ये सपना चल रहा है। ये चतुर्मास का आयोजन सपना में चल रहा है महाराज, आप सपना में बैठो, हम सपना में बोल रहे हैं, आप सपना में सुन रहे हो, ये सपना मिटेगा महाराज, मिटेगा, मिटेंगे ये सपना, असत्य है, सत्य नहीं हो सकता, इनमें सत कौन है, है? राजा जनक को सपना आया, एक सुख सेज पर राजा जनक सोया हुआ है, उनको सपना आया, सपना के अंदर भिखारी बना महाराज, और भिखारी ऐसा नीची क्वालिटी का बना, मांगने पर मिले नहीं, भिखारी में दर्जा होता अलग अलग, कई लोग भिखारी वो मांगना जानते हैं, बहुत मांग लेते हैं, उनमें कला होती, युक्ति होती महाराज, उनमें बोली में ऐसी शक्ति होती है, बहुत लोग उनको दे देते हैं, उनकी वाणी को सुनकर के लोग प्रभावित हो जाते हैं, कई लोग भिक्षु कहते हैं, उनको मांगने पर नहीं मिलता महाराज। तो राजा जनक को सपना आया, सपना में भिखारी बना, बहुत घटिया क्वालिटी का भिखारी बना, मांगने पर कुछ मिला नहीं, बड़ा दुखी हुआ, बड़ा दुखी हुआ, उस समय रोया महाराज, रोया, उस समय उनकी नींद खुली, सपना टूट गया, देखते हैं सुख सेज पर मान जो कहते हैं महल में सोया है। राजा जनक को संशय हो गया, अब किसको सत्य मानो, अभी एक क्षण पहले मैं भिखारी था उनको सच समझूं, या अभी मैं अब राजा हूं इनको सच्चा समझूं, कौन सच्चा है, ये सच्चा तो वो सच्चा, ये सच्चा या वो सच्चा, ऐसे बतो, बस पागल हो गए, ये सच्चा है या वो सच्चा है, मैं किसको सच्चा निर्णय करूं, निर्णय कर नहीं पाया महाराज। तो इस निर्णय के लिए अनेक संतों का आयोजन रखा, संतों को बुलाया गया, संतों को सत्संग के लिए आयोजन रखा, संत सम्मेलन रखा, संत लोगों से वो प्रार्थना करते हैं, अपना प्रसन्न करते हैं, ये सच्चा है कि वो सच्चा है, अब ये सच्चा वो सच्चा उनमें कौन समझे महाराज, उनको तो कोई अंतर्यामी ज्ञानी महापुरुष ही समझ सकते हैं, हर एक लोग नहीं समझ सकते। कितने ही संतों की सभा लगी है महाराज, कितने ही ऋषि महर्षि, राजा जनक प्रसन्न करते, कोई प्रश्न का उत्तर नहीं बात दे पाते हैं। इतने में अष्टादक्र जी महाराज उस सभा में पधारते, प्रवेश करते हैं,
अष्टावक्र जी महाराज के शरीर के अंदर टेढ़ मेढ़ थी, शरीर को बैंका टेढ़ा था, तो जब उस सभा में प्रवेश करते हैं तो अष्टावक्र जी महाराज के शरीर को देख करके वो जितने संत ऋषि बैठे वो सब हंसने लगे। ये आया है इनको ज्ञान देने के लिए, ये इनका शंका का समाधान करेंगे। सब लोग उनके शरीर को देख करके हंसने लगे, महाराज हंसने लगे। तो लोग हंसने लगे तो उनके साथ साथ में अष्टावक्र जी महाराज जी वो भी हंसने लगे, बड़े खुल करके हंसने लगे। राजा जनक पूछने लगे, महाराज आप क्यों हंस रहे? बोले कि ये तुम्हारी सभा क्यों हंस रही है? पहले ये हंसी थी, इनको पूछ। सभा को पूछा गया तो उन्होंने हंसने का अपना कारण बता दिया कि टेढ़ा मेढ़ा आदमी ये क्या ज्ञान देगा, क्या प्रमोद करेगा, या क्या संशय का निवारण करेगा? हम लोगों को इसलिए हंसी आ गई। राजा जनक कहते, महाराज आप क्यों हंसे? अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, राजन मैं यूं हंसा, मैं बहुत दूर से आशा लेकर के आया था राजा के जनक की सभा में, संत ऋषि महर्षि जिनका दीदार दर्शन होगा, और यह आने के बाद में पता लगा है सब लोग चमारों को इकट्ठा किया है, सब चमार लोग है, इनको क्यों इकट्ठा किया यहां? चमार लोग है, ऐसा सुनकर के सब लोग उदास हो गए, सब लोग बिगड़ गए। महाराज हमको चमार कैसे कह दिया? भाई चमड़ा की पार करता वो चमारी ही होता है, तुम लोगों ने हमारा इस चमड़ा की पार की है, ये टेढ़ा मेढ़ा शरीर को देख करके आपने हंसी मजाक की है। शरीर भले टेढ़ा मेढ़ा हो, जैसे कहते हैं एक जो सेंटा गुड़बाड़ का सेंटा है ना वो टेढ़ा मोटा होता है, पर उनका रस वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। महाराज जलेबी टेढ़ी मेटी होती है पर उनका रस मिठास टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। अष्टावक्र जी महाराज कहते, भले हमारा ये शरीर है ये टेढ़ा मेढ़ा है, पर हमारी आत्मा हमारा ज्ञान उनमें टेढ़ापन नहीं है। तुम लोग चमार हो, इस चमड़ा की शरीर की चमड़ा की पारक की है आपने, हमारे ज्ञान की पारक नहीं, हमारे आत्मा को तुमने नहीं देखा है, तुम शरीर को देख रहे हो, ये शरीर टेढ़ा मेढ़ा है पर मैं आत्मा टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। चमड़ा की पारक करता वो चमारी ही होता है। सब लोग चुप शांत हो गए, शांत हो गए। भाई बहनों चमड़ा की पार करता वो चमारी तो होता है, ज्ञानी जो सत्पुरुष है गुरुमुख के भाई बहन है शरीर पर दृष्टि नहीं रखता है, उनकी दृष्टि आत्मा पर रहती है और आत्मा की दृष्टि से एक दूसरा से मिलन करता संपर्क करता है, शरीर का बात कर देता है, उनके दृष्टि में शरीर है ही नहीं, महाराज आत्मा ही सत्य है। फिर राजा जनक अष्टावक्र जी महाराज के लिए ऊंचा आसन लगाया, राजा जनक सामने बैठे, उठ करके खड़ा हुआ, हाथ जोड़ करके विनती की, देखो प्रसन्न करने का भी एक तरीका होता है महाराज, गुरु लोगों के सामने जाओ तो तरीका सीखो, नम्रता से जाओ, नम्रता से बैठो, प्रणाम करो, दंडवत करो, फिर जो कहते हैं अज्ञानों को शंका समाधान करना, तो आपके आज्ञा हो तो गुरुदेव मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, ऐसे तरीका सीखो महाराज। राजा जनक उठ करके खड़ा हुआ, हाथ जोड़ करके विनती करने लगे, गुरुदेव ये सच्चा है वो सच्चा। राजा जनक का पूछने का अर्थ है कि सपना आया, एक क्षण बेले मैं भिखारी था, एक क्षण में ये राजा, मैं राजा ये सच्चा है, वो भिखारी बना वो सच्चा। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, नहीं तो ये सच्चा है नहीं वो सच्चा है, तो उनको और इनको दोनों को देखने वाला अनुभव करने वाला तो आत्मा सच्चा है, राजपद ये भी सच्चा नहीं, ये भी एक दिन मिटने वाला है, जागृति स्वप्न दोनों ही मिथ्या है महाराज, दोनों ही मिथ्या है। जागृत स्वप्न का दोनों का अनुभव करता है साक्षी जो है वो सत्य होता है। तुम आत्मा इन दोनों को जानने वाले हो, सपना आया उनको भी जानते हो और अब जो जाग गए वो भी तुम जानते हो, सपना में भिखारी बना उनको भी तुम जानने वाले साक्षी हो, और अब जो तुम राजा हो उनको देख जान करके उनका भी तुम साक्षी हो, तो तुम सच्चे हो, नहीं वो भिखारी सच्चा नहीं ये राजा सच्चा है, तुम दोनों को जानने वाले आत्मा सच्चे हो। भाई बहनों आत्मा ही सच्चा है, जग संसार ये सपना है सब,
जिन्होंने संसार को सपना समझ लिया है कोई इन चक्कर में नहीं बंधेगा महाराज। साथ में सामिद रहते थके निराले निर्णय पर जग से जन न्यारा कर ब्रह्म विचारा जो सूर उजियारा। जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता है और सफल इनका प्रतिबिंब पड़ता है परंतु सबसे निराला बहुत ऊपर रहता है। ऐसे भाई बहनों संतों की दृष्टि संतों का विचार बहुत जगत से ऊपर रहता, साथ में है शामिल है फिर भी ऊपर है बहुत। लोग साथ में रहने वाले नहीं समझ सकते महाराज, वो अपने समान समझते हैं। ऊपर की क्रिया देखते, खाने पीने की क्रिया देखते, सोने की उठने की क्रिया देखते हैं। सदगुरु शुद्ध स्वरूप है, शिष्य दे के गुण दे, सुंदर कार्य क्यों सरे, कैसे बड़े सने। अनड़ बसे आकाश में नीची सूरत निवास, ऐसे साधु जगत में सूरत शिखर पीउपास। कौन जान सकता है महाराज, कौन समझ सकता है, उनकी गति वही जाने। अनड़ पक्ष आसमान में उनका घर है परंतु उनकी दृष्टि पाताल की ओर रहती है। क्यों रहती है? अनड़ पक्ष आसमान में उनका घर है और वहां से अपना अंडा को छोड़ता है। अंडा वहां से नीचे चलता है, नीचे गति करता है पाताल की ओर, तो उस अंडा के अंदर अनड़ पक्षी दृष्टि रखता है, इसलिए पाताल की ओर उनकी दृष्टि रहती है कि अंडा पाताल की ओर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ऐसा विधि विधान है, ऊपर से जो अंडा छूटता है जमीन के ऊपर आने के पहले परिपक्व होकर के बच्चा बन जाता है, बच्चा इतना शक्तिशाली बनता है। वापस जब उड़ान करता है पड़ता जमीन पर नहीं, वो पड़ते हाथियों के ऊपर पड़ता, हाथी को पकड़ता महाराज, एक नहीं सात हाथी पकड़ता है और उनका शरीर का आकार भी हाथी जैसा ही होता है। चार हाथी पैरों में पकड़ता है, एक मुंह में पकड़ता, एक सूंड में पकड़ता, एक पूंछ में पकड़ता, सात हाथी को पकड़ के ऊपर जाकर के अपने मां बाप से मिलता है। ऐसा हमारे महापुरुषों की वाणी का प्रमाण है। अनड़ बसे आकाश में नीची सूरत निवास, उनकी वृत्ति नीचे रहती है। ऐसे साधु जगत में सूरत शिखर पीउपास, ऐसे संत लोग महात्मा लोग गुरु लोग संसार में अपने साथ में समाज में गुरु शिष्य शामिल साथ रहते हैं परंतु उनकी दृष्टि जो है उनका विचार वृत्ति है वो ऊपर है महाराज, ऊपर है, अपना स्वरूप में है। ऊपर का अर्थ कोई ऊंची नहीं, अपना स्वरूप में, अपना स्वरूप ही सबसे ऊपर है। उनको कोई कोई समझता है मेरा सतचित आनंद स्वरूप, कोई कोई जाने, कोई कोई जानते हैं, सब लोग नहीं जानते। इसलिए हमारे महापुरुष कहते जग से जन न्यारा कर ब्रह्म विचारा जो सूर उजियारा। अपने साथ में रहते, पास में रहते फिर भी अलग, फिर भी निर्लेप महाराज, उनके कोई असर नहीं होता इस संसारी का, माया का, कुटुंब का, परिवार का, समाज का कोई असर नहीं। जिनका बड़ा सुंदर प्रसंग दिया है, जुग्रत समी पारे सब अंग पर दी पारे, जुग्रत समी पारे सब अंग पर दी पारे, सब अंग पर दी पारे, सब अंग पर दीपारे रसना नहीं ची पारे, सब अंग पर दीपारे रसना नहीं ची पारे, जग से जन न्यारा रे कर ब्रह्म विचारा रे, कर ब्रह्म विचारा रे जो सूर्य उजियारा रे। बोलो राम जी महाराज। जो ग्रत समीप, जैसे ग्रत का कोई समीप स्पर्श करे, सब अंग पर दीपा, जितना अपना शरीर है उन शरीर पर थोड़ा सा भी कहते हैं और बूंद घी के लग जाए तो चिकनास हो जाता, चिकनास फैल जाता, पर रसना नहीं छिपा। कितना भी घी का पान कर जाओ जीभ चिकनी नहीं हुए महाराज, जीभ पर चिकनाई नहीं आवे, टूकी का आवे नहीं जीभ पर चिकनाई है। खटरस भोजन जी मिया ग्रत है मिटाही, जीबिया पर आवे नहीं टोकियक चिकनाही। फिर सदगुरु जी महाराज की
ऐसे ज्ञानी महापुरुष जो संसार में रहते हैं, जैसे गृत के साथ में रहती थकी जिभ्या निर्लेप रहती है, जिभ्या पर गृत का कोई असर चिकनास नहीं होता, ऐसे ज्ञानी सत्पुरुषों पर संसार का कोई असर नहीं होता, कोई असर नहीं। लोग जानते हमारे साथ है, पास है, पास नहीं बहुत दूर है महाराज, बहुत दूर है। संतों को अपने पास समझना, अपने शामिल समझना, ये मेंढक बुद्धि है कि महाराज, मेंढक बुद्धि। चांदनी रात में जब चंद्रमा ऊपर आता है रात्रि में, उस समय उस चंद्रमा का जल में प्रतिबिंब पड़ता है तलाई में, और उस जल में रहने वाले मेंढक जो है, और वो समझते उस प्रतिबिंब को, ये हमारे समान कोई बापड़ा जीव है, हमारे साथ में पड़ा है, और वो अपने से कमजोर समझकर उनके ऊपर आ बैठते हैं, ये हमारे समान कोई जीव है, पड़ा बेचारा या उनको ये पता नहीं कि ये तो बहुत ऊपर है, बहुत, वो तो उनका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। ऐसे भाई बहनों ज्ञानी महापुरुष है, वो अपने से बहुत ऊपर है, बहुत दूर है। जैसे चंद्रमा बहुत ऊपर है, जल में तो केवल उनका प्रतिबिंब है महाराज, चंद्रमा नहीं है, पर मेंढक तो अपने साथ समझते हैं, अपने पास समझते हैं, अपने से कमजोर मानते हैं, वो उनके ऊपर आकर के बैठते हैं। तो संतों को अपने साथ समझना, अपने शामिल समझना, ये मेंढक बुद्धि लोगों की, जीवों की बुद्धि है।